बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किचन विद माँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि करेले प्याज कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपने करेलों का ऐसे कटिंग कर लेना है और तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले नमक लगा के रख देना है। ये मैंने नमक लगा दिया है और इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से वाश करना है। आपने इस तरीके से ना, ये मैंने अच्छे तरीके से वाश कर लिए हैं करेले और अब इसको ना निचोड़ रही हूँ। आपने इस तरीके से निचोड़ना है रुमाल में डालने के बाद। और ये देखिए कितने प्यारे फ्रेश निचोड़ दिए गए हैं और इसका पुष्क भी हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने इसका पुष्क कर लेना है। आपने सबसे पहले ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करना है। ये ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। उसके बाद आपने ये करेले जो मैंने वाश किए थे, मैंने आपको बताया था वाश किए हैं और फिर अच्छे तरीके से इनको निचोड़ा था मैंने करेलों को। अब मैंने इसमें ऑयल में डाल दिया है। अच्छे तरीके से इसको मैं फ्राई करूँगी। इसको करेलों को मैं ऑयल में फ्राई करूँगी। जब ये करेले लाइट ब्राउन हो जाएंगे इसको मैं निकाल लूँगी। पहले हम इसको लाइट ब्राउन होने देते हैं। देखें, करेले फ्राई हो गए हैं, लाइट ब्राउन आपने कर लिए हैं। ठीक है, लाइट ब्राउन करेले करने के बाद ना मैं इसको निकाल लूँगी। करेले फ्राई करके आपने निकाल लिए हैं और ना फिर मैं क्या करूँगी, अब मैंने ना प्याज डाल के उसी ऑयल में प्याज डाल के इसको लाइट ब्राउन करूँगी प्याज को। ठीक है, प्याज जब ब्राउन हो जाए, ये लाइट ब्राउन हो गए हैं प्याज, तो आपने क्या करना है, इसमें टमाटर डाल देने हैं, ग्रीन मिर्च, और आपने मसाले में क्या डालना है, अदरक और लहसुन का पेस्ट कुटा हुआ, हल्दी, दाढ़ा मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला पिसा हुआ, सूखा धनिया पिसा हुआ और सुरख मिर्च और काली मिर्च पीसी हुई आपने। और इसमें आपने एक बात खास याद रखनी है कि आपने इसमें नमक अभी ऐड नहीं करना। जब सारे मसाले डल जाएँ एंड में हम चेक करने के बाद करेलों में नमक डालेंगे। तमाम चीज़ों को इसमें डाल दें। आपने 5 मिनट के लिए इस मसाले को, इस सारे को 5 मिनट के लिए कम आंच पे रख देना है। जब ये थोड़ी मिक्स हो जाए टमाटर और हरी मिर्च वगैरह सारा, फिर आपने इसमें करेले ऐड करने हैं। 5 मिनट के लिए आपने इसको कम आंच पे रखना है। ये देखिए इस तरीके से हो गया। 5 मिनट के बाद आपने ये करेले इसमें ऐड कर देने हैं। इस तरीके से मिक्स करके और कम आँच पर इसको 5 से 10 मिनट रखेंगे, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। देखें, ज़बरदस्त करेले प्याज आपके तैयार हैं। ये ऑयल छोड़ दिया है करेले ने। जब ये ऑयल छोड़ दे तो आपके करेले तैयार हैं, हर चीज़ मिक्स हो गई है ज़बरदस्त से। अब हम इसको थोड़ी से तेज़ आंच पे, इसको 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पे करेंगे और उसके बाद हम पेश कर देंगे मज़ेदार करेले। ज़बरदस्त से करेले तैयार हो गए हैं, मैंने प्लेट में डाल दिए हैं। देखें, बहुत ही खूबसूरत और खाने में बहुत मज़ेदार। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।